इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के जिला कारागार में। आज आपको बता दिया जाए कि दीपावली के बाद भैया दूज का पर्व होता है, ये बहनों का जो पर्व होता है हर तरफ देश भर में। आज जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों को टीका करती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं, उनसे तोहफे लेती हैं, और यहाँ पर भी आज इसी तरह कुछ मंजर देखने को मिल रहा है। जिला कारागार में हम लोग इसमें खड़े हैं। यहाँ पर आप पीछे आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, बहनों की लाइन लगी हुई है। सब लोग अपने अंदर जा रही हैं, अपने भाइयों के टीका करने के लिए जा रही हैं, मिठाइयाँ साथ में लेके आए, और भी कोई ज़रूरी सामान है। हालांकि उन सामानों को अंदर नहीं ले जाने, केवल मिठाई के अलावा, टीका करने के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना। बहनें लगातार लाइन से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए अपने भाइयों को टीका करने के लिए, जिनके भाई काफ़ी किसी मुश्किलों में बंद थे, किसी जुर्म में बंद थे। तो आज लेकिन कहीं ना कहीं ये बहन और भाई का ये बहुत बड़ा पर्व है, और ये बहुत अच्छी बात है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर फेस्टिवल है, फेस्टिवल के देखते हुए भैया दूज यहाँ पे जिला कारागार में, दूर दूर के अलावा शहरों से भी कई जगह से बात आए। तो ये एक बहन का और भाई का पर्व है भैया दूज के लिए, जिसके लिए बहनें अपने भाइयों के जिला कारागार टीका करने के लिए आई हैं, और उनको मिठाई खिलाने के लिए आई हैं। उनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे भाई आज हमारे साथ भी हैं और हर लगातार जीवन भर इसके रहेंगे। दराजी न्यूज़ के लिए विशाल शुक्ला की रिपोर्ट, कानपुर।